हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सर्च बार में एमएस वर्ड टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमें वर्ड शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो बेसिक ये हमारी विंडो ओपन होगी हमारे सामने, जो हमारी एमएस वर्ड की बेसिक विंडो है। ये हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर टाइटल बार में ऊपर रेड जो आ रहा है, टाइटल बार में लिखा हुआ आएगा डॉक्यूमेंट वन। यहाँ पर हम जिस नाम से इस फाइल को सेव करेंगे वो फाइल का नाम आ जाएगा। फाइल को सेव करने के लिए हमें यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला ही आ रहा है सेव। सेव पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई जिसमें हमने कोई भी फाइल का नेम एंटर किया और वो फाइल हमारी बन जाएगी। मैंने यहाँ पर कोई एक डमी नेम लिख दिया, रिया। ये यहाँ पर हमारी लोकेशन भी शो होती है कि हमें कहाँ पर फाइल को सेव करना है। मैंने अगर यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट किया तो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर रिया नाम की वर्ड की फाइल बन जाएगी। देखिए यहाँ पर रिया नाम आ गया टाइटल बार में। एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आ रहा है साथ में लिखा हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले होम टैब में, जो हमारे डायरेक्टली ओपन्ड है। तो ये हमारी जितनी भी हैं इनको हम टैब्स बोलते हैं। यहाँ पे फाइल के साथ जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनको हम टैब्स बोलते हैं। तो सबसे पहले वाली टैब है होम टैब। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर भी हमें कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग में, तो इनको हम बोलते हैं क्विक टूल बार। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अगर हमें यूज़ करना है तो हम क्विकली यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सेव का है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगी तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, बट हमारी ये फाइल सेव्ड है तो हम इस पर अब क्लिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन ये वाला, इस ऑप्शन पे मैं जैसे ही कर्सर लेकर आई हूँ वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बुलेट्स। इट मीन्स ये बुलेट्स वाला है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगी तो यहाँ देखो पेज पे बुलेट बना हुआ आ गया। अब हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट बुलेट्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये ऑप्शन अभी हमें करना नहीं है, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। जो भी टेक्स्ट पे मैं यहाँ, ये वाला अगला ऑप्शन है पैराग्राफ, मैंने अब यहाँ से हम कुछ और भी क्विक एक्सेस में रखना चाहते हैं। क्विक एक्सेस देखो यहाँ नाम आ गया, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको कस्टमाइज करना मीन्स अगर हम इनमें से किसी को भी टिक कर देंगे तो वो यहाँ हमें डायरेक्टली नजर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर कोई सा ऑप्शन रखना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ न्यू का रख दिया, न्यू पे क्लिक किया, पहले वाले न्यू का ऑप्शन पे यहाँ टिक हो गया और ये वाला एक डॉक्यूमेंट जैसा यहाँ पर निशान, यहाँ पर साइन बना हुआ आ गया। उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी या कंट्रोल एन प्रेस करूंगी तो एक डॉक्यूमेंट न्यू ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। और यहाँ पर देखो मैंने रिया नाम से फाइल सेव की थी, अब ये नई फाइल ओपन हुई है। पहले डॉक्यूमेंट वन था तो अब ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट टू के नाम से आ गया जो कि अभी सेव नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्विक एक्सेस में डायरेक्टली कंट्रोल एस वाला या सेव वाले पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ये हमसे सेव करने के लिए फाइल नेम लेगा। हम यहाँ से कुछ भी फाइल नेम डाल देते हैं तो वो फाइल नेम यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा अब तो आपको पता भी लग गया होगा, वो वाला नेम टाइटल बार में आ जाएगा। मैंने लिखा देव, ये आ गया नाम यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। सबसे नीचे वाली लाइन जिसके अंदर हमें बताएगा कितने पेजेस हैं, टोटल वर्ड कितने टाइप किए हुए हैं। अभी जीरो आ रहा है, मैं भी यहाँ पर अगर हेलो टाइप कर देती हूँ, स्पेस देती हूँ, कुछ और लिखती हूँ हाउ,
आर यू, ये लिखा मैंने, तो कितने वर्ड्स हो गए? फोर। तो यहाँ वर्ड काउंट आ रहा है, फोर वर्ड्स है। यहाँ पर ये आ रहा है नो प्रूफिंग एरर, कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर होगी तो उस पर मार्क होगा, यहाँ पर मार्क आ जाएगा। आगे लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही राइट साइड पे चलेंगे तो ये पेज के व्यूज़ आएंगे, कुछ किस टाइप की स्क्रीन है। फर्स्ट वाला जो हमें दिखाई दे रही है प्रिंट लेआउट, सेकेंड वन इज़ फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग पे मैंने क्लिक किया तो फुल स्क्रीन पर यही नज़र आएगा। फिर मैंने एस्केप प्रेस किया, हम वापस से अपनी इसी स्क्रीन पे आ गए। नेक्स्ट वन इज़ वेब लेआउट पे क्लिक करूँगी तो ये इस तरह से वेब वाला पेज जैसे ओपन होता है उस तरह से दिखाई देता है कि फुल स्क्रीन पे आप इधर से उधर तक पूरे में लिख सकते हो, ऊपर रूलर भी बना हुआ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आउटलाइन। आउटलाइन मतलब जितना भी आपने लिखा हुआ है वो आउटलाइन की फॉर्म में नज़र आएगा। ये अलग अलग व्यूज़ होते हैं। ये वाला है ड्राफ्ट व्यू, मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट आपका ड्राफ्ट में है, कि वो पेज दिखाएगा प्रिंट लेआउट वाले में जैसा भी पेज आ रहा होगा उस टाइप से यहाँ पर दिखा देगा। तो हमारा जो चलता है प्रिंट लेआउट वाला बाय डिफॉल्ट शो होता है, तो मैंने इसी को ही यहाँ पर ले लिया। ओके, तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही है। थैंक यू।